78 टाइप की मिठाइयां है। आज त्योहार है दिवाली का, सो दिवाली में खाएंगे हम मिठाई एंड आज हम खाएंगे सारी मिठाइयां हल्दीराम से और देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी मिलती है हल्दीराम की और टेस्टिंग एवरी मिठाई एट हल्दीराम एंड मेरे और तानिश की तरफ से हैप्पी दिवाली। गाइस ये है पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिठाई की अनबॉक्सिंग, इतनी बड़ी इतनी वैरायटी की मिठाई किसी ने अनबॉक्स नहीं करी होगी। हम गए हल्दीराम, हल्दीराम इज माय फेवरेट ब्रांड एंड ये देता है क्वालिटी मिठाइयाँ एंड काफ़ी सारे इसके स्टोर हैं इंडियन अब्रॉड इसमें एंड 1000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग करोगे तो आपको फ्री मिलेगा केसर। ये वो जबान केसरी नहीं है जो अजय देवगन खाता है, ये एक्चुअल में केसर है। वाओ, तो हमने 2000 की से ऊपर की ये मिठाइयां है तो हमें दो केसर मिले एंड वी हैव पेड फॉर दिस। वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हल्दीराम एंड मैं कहता हूं जरूरत नहीं हल्दीराम को हमारी स्पॉन्सरशिप की। वो भी हटा दिए, काफी अच्छा डब्बा है, मिठाई डब्बा हटा के टोल के देते हैं एंड थैंक यू टू द CP स्टाफ ऑफ हल्दीराम के इतनी भीड़ होने के बावजूद उन्होंने हमारा काम करा। वो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है प्रीमियम प्रीमियम और मैं आपको बता दूं ये कैलोरीज कितनी है। इसमें ये भी प्रीमियम डब्बा है, ये है प्रीमियम डब्बा जिसमें देखो ये खजूर वजूर भी है, इंटरनेशनल मिठाइयाँ भी है, तो ये एक्सपेंसिव वाला है, 1000 रुपये के ऊपर की रेंज है ये। ये आपके लड्डू ही लड्डू, देखो लड्डू ही लड्डू है इसमें, मोतीचूर जोधपुरी बेसन। ये है खोए वाली, खोया एकदम काजू कटली वाला बेस्ट मिठाई। ये है बढ़िया, ये है मिल्क केक बर्फी बर्फी एंड ये है देसी घी की मिठाई। होने वाला है कमाल का शुगर रश। शुरू करते हैं सबसे महंगी वाली से, ये मेरे ख्याल से 2300 वाली है, ये 2300 रुपये किलो है। ये बनती है पिस्ता से, प्योर पिस्ता है और पिस्ता ही पिस्ता है, 2300-2200 की है पर केजी। मिठाई के डब्बे में शादी के कार्ड में अगर ये मिठाई आती है ना, मैं सोचता हूँ यार शादी बड़ी अच्छी होगी। जो बंदा 2300 रुपये किलो की मिठाई दे रहे हैं। अब हम लोग टेस्ट करते हैं प्रीमियम बॉक्स से, तो रोज़ बाइट, देखो बाइट सेम होगी तो मैं रोज़ बाइट खाता हूँ, ये खाता है मैंगो बाइट, जो सेम सेगमेंट की उसमें बस टेस्ट का फ़र्क है। रोज़ बाइट देखो, ओहो कलर देखो रोज़ बाइट का, ये है मैंगो का येलो येलो, तोड़ के खा रहे हम लोग के बाद में भी यूज हो सके। थोड़ा थोड़ा इसका सोन पापड़ी जैसा टेक्सचर नहीं है थोड़ा सा। ये है मैंगो पापड़ वाली, ये देखो गाइस, लोग आईफोन की कवर हटाने में खुश हो रहे हैं, हम लोग टेक चैनल से, हम लोग मिठाई के। ये है ऑरेंज बाइट, ऑरेंज बाइट और ये है मैंगो वाली जिसे मैंगो का आम पापड़ यूज रखा है, ड्राई फ्रूट से भर भर से जेस्टी सा एकदम, आम पापड़ का बिल्कुल मस्त फ्लेवर है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि थोड़ा टाइम ही लग रहा है खोलने में। ओ बच गए, गिरा मत देना। 1000 कैलोरीज का सवाल है, सही बात है भाई। मैं ये खोलो, ये है इनकी फ्यूजन वाली, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है ये, मुझे लग रहा है ये देखो लेयर्ड है, लेयर्ड है। ये देखो ये है आम पापड़, ये दूसरे टाइप का आम पापड़, ये चॉकलेट है, ये मेरे ख्याल से ये नहीं टूट सकती, ये मैं बाइट ही करनी पड़ेगी, मैं इसको सेपरेट रख दूंगा। वाइट चॉकलेट, ओहो आम पापड़ वाइट चॉकलेट, ये है आपका काले वाला आम पापड़, फिर है चॉकलेट डार्क वाली, फिर वाइट चॉकलेट, ओहो। अब मैं खा रहा हूँ क्रैनबेरी डिलाइट और मैं खा रहा हूँ कीवी, मतलब कीवी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को नहीं खा रहे हम लोग, हम खा रहे कीवी। ये वही कीवी का आम पापड़ टाइप बना रखा है, मतलब ड्राई कर रखा है और वही ड्राई फ्रूट है, क्रैनबेरी वाला भी जैसा वैसा ही है बिल्कुल। ये भी इनकी फ्यूजन है। अब
एक चॉकलेट बाइट में टेस्ट करता हूँ, ये टेस्ट करता हूँ। नींद आ रही है मुझे तो, मीठा खाने से नींद भी आती है। अभी तो हमने खाया है नहीं मीठा, पहला डब्बा चल रहा है, हम खा रहे हैं चॉकलेट वाली। ये है अपनी कौन सी थी, आई थिंक रोज वाइट रिपीट हो गई है। ओ रोज वाइट रिपीट हो गई, तो खा ले, तूने नहीं खाई नहीं। हाँ ये भी ठीक है। चॉकलेट वॉज गुड, हाँ चॉकलेट पास से देखा, मतलब मिठाई ना ये आम पापड़ वाम पापड़ अंदर मेरे को वाइट मिठाई लग रही है बिल्कुल। हाँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो अगर दिवाली पे किसी को देना हो ना तो फेरेरो रॉजर तो कैडबरी के डिब्बे मत दिया करो, ये मिठाइयाँ बांटा करो, ट्रेडिशन शुड बी केप्ट अलाइव। वो देखो क्या होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, चॉकलेट बना रही है, और क्या फ़ायदा ट्रेडिशन को भूल के हम चॉकलेट देते हैं। एक उन्होंने सर जी बना दी एक तरीके से कि मिठाइयाँ बोरी, प्लस जो फेरेरो रॉजर कंपनी के ओनर है वो वर्ल्ड में नंबर 3 या 4 पे आते हैं, तो बाहर के बंदे को अमीर को बनाना, अपने लोकल मिठाई वालों को बनाओ, लोकल फॉर वोकल गाइस। हाँ लोकल चीज़ें खाओ। ये है अंजीर की खजूर, ओहो खजूर अंदर फिलिंग आई है उसकी, ओहो फिलिंग भी है गाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया एकदम, नट्स वगैरह पिस्ता से लोडेड। खोया बेस्टी है कोई, ये सभी अभी प्रीमियम डब्बा देखो खत्म नहीं करा हमने। ये है अंजीर, ड्राई फ्रूट से भरी हुई है मिठाइयाँ, थोड़ा गुई सा टेक्सचर है इसका। ये मुझे लग रही है कुछ कोकोनट टाइप, ये मुझे कद्दू की लग रही है, ये कुछ वियर्ड सा शेप है मिठाई का, इसमें थोड़ा मिंटी मिंटी खसखस का फ्लेवर है, अच्छी है बर्फी टेक्सचर, वो तो खोए की है। अब हम क्या करें, ये और ये वाली ना ऑलमोस्ट सेम ही लगी मुझे, बस शेप डिफरेंट था। ये डब्बा क्लोज करते हैं हम लोग, चिपचिपे हो गए हाथ एकदम। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रीमियम, हमका पूरा प्रीमियम निपटा लेते एक बार, लाइए कैमरा पास। तो बेस्ट लुकिंग मिठाई एवर गाइस, पूरे जो हमने सारे डब्बे हैं उसमें से बेस्ट लुकिंग है ये, अब इतनी सुंदर है। मैं खाता हूँ ये कटोरी, देखो ये थोड़ी टर्किश मिठाई जैसा है, एक कटोरी बना रखी है और ड्राई फ्रूट्स है, ये भी टूटेगी नहीं, बाइट ही लेना पड़ेगा। ये डेट लग रहा है, डेट ही है, और ये बीच में खजूर है, ये काफ़ी अच्छी है, अगर आप हल्दीराम हो तो टर्किश स्वीट काफ़ी अच्छी बना रखी है। मैं खा रहा हूँ गाइस दिल, नहीं खा रहा दिल, इसको तोड़ के जाओ दिल को, दिल तोड़ दो, दिल तोड़ रहा है भाई, फेसबुक पे दे रहे हो तो यही, मैंने तो दिल तोड़ दिया, बट आप दिल इसका दिल अंदर से काला है दानिश का, लाइक कर दो, देखो दानिश का दिल अंदर से काला निकला, दानिश यू हैव अ डार्क हार्ट डार्क साइड, डर लग रही है। ये डेट खा के देखता हूँ मैं अभी, हम ये बढ़िया। This is good, must recommend. तो जो recommended है आपको बीच में बताया छू, ये क्वाइट ही लेना पड़ेगा दानिश, मैंने वाइट किया था, ये वो वैसा लग रहा है वो टर्किश स्वीट है, खा लो वो बकलावा, बकलावा जैसा ही है, बकलावा जैसा ही है कुछ। ये भी अंजीर की कुछ मिठाई है, ये देखो क्या शेप है इसकी। I would also recommend this. टेक्सचर है, बहुत सारी लेयर्स हैं, लोडेड विद पिस्ताचियो। ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं एक। टू स्वीट। ये मिठाई थोड़ी फ्रूट जैसी लग रही है, इसमें ये ऊपर लॉन्ग है जो इसकी डंडी नजर आ रहा है, ब्रश हो रखा है इसमें फ्रूट का, अंदर फिलिंग है, नाइस। ये भी ये आती है काजू की बर्फी का अंदर फिलिंग है कुछ, काजू रोल। क्या खाना है तनिष? मैं क्रैनबेरी। ओ ये देखिए गाइस क्रैनबेरी की स्वीट
ड्राइड क्रैनबेरीज नट्स वगैरह डाल रखे हैं ऊपर से। ये खोया बेस लग रही है, ये खोया बेस है। ऊपर वो जो पिस्ता वाली हमने खाई थी वो है, ये डाला कुछ है अंदर, वही खोया आ रहा है। एक काजू एक्चुअली, दिस इज नॉट खोया, दिस इज प्रीमियम, तो ये काजू है, काजू की बर्फी। अच्छा, ये अंदर से ये सब काजू की बर्फी है, मिश्री विश्री। हो गाइस, दो डब्बे खत्म हो चुके हैं और अभी बचे एक दो तीन चार पाँच, और अभी तो हम लोग इंडिविजुअली टेस्ट नहीं कर रहे, मतलब आधी ये कर आधी मैं करो टेस्ट। तो ये चार से शुरू करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। ये है आपका मोतीचूर का लड्डू, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं खा लेता हूँ, मेरा ही फेवरेट है। ओहो, खा लिया पूरा? नहीं कसम से 10-15 दिन कुछ मीठा नहीं खा हुआ। बेसन, मुझे फूड चैलेंज क्यों लग रहा है, मुझे टेस्टिंग ऑफ फूड चैलेंज कुछ लग रहा है ये वीडियो। ओहो, जो टेस्ट कर लिया जो हमने, अब टेस्ट करते हैं ये जोधपुरी लड्डू। ये देखो शेप इसका, जोधपुरी लड्डू का ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये लड्डू। ये भी जोधपुरी लड्डू जैसा है लेकिन ये है डिफरेंट आइटम, ये खा के देख दो क्या डिफरेंट है। ये कोकोनट बेस्ड लड्डू है, काफ़ी सही, श्रेडेड कोकोनट के पीसेस डाल के बना रखा है, नाइस। ये थोड़ा बूंदी का प्रसाद मिलता है ना, वैसे बूंदी से बना है लड्डू। ये रोज वाला देखो अच्छा लगा था ना, ड्राइड रोज पेटल्स। ये ऐसे खा ले जो खा रहे हो। ये देखिए गाइस, ये प्योर देसी घी की मिठाइयाँ है। ये लड्डू कुछ बेसन टाइप या फिर पंजीरी टाइप लग रहा है, ये पंजीरी का लड्डू है। जोश है नहीं, जोश लेके आ अंदर से, जोश जोश, हाउ द जोश। ये देखिए मिठाई, अब तो मैं लड्डू के नाम भी भूल चुका हूँ सही में। ये फिर से बहुत सारे कैशू नट्स। ये है गोंद का लड्डू, गोंद का लड्डू, ये तो वहाँ पे भी खाया था शायद जोधपुर, उसमें उदयपुर में, उदयपुर में। ऐसा नहीं, सिर्फ चीनी चीनी खा रहे हैं, नट्स वगैरह भी है काफ़ी हेल्दी, ये भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा। अभी ये जब 5,000 calories हो जाएंगे टेस्टिंग में, ये बेसन का लग रहा है इवेंचुअली, फाइनली ये बेसन का लड्डू। ये भी बेसन का ही है गाइस। देखो क्या होता है कि लगता है कि टेस्टिंग आसान है, इसका जूम इन करके देखो, नहीं है गाइस, नहीं। और अभी तो 3 डब्बे रह गए, इट्स बिकम मोर ऑफ अ चैलेंज। सही बात, टेस्ट छोड़ो, एक एक बाइट ही ले ले सबकी, बहुत बड़ी बात होगी। मैं शुरू करता हूँ मिल्क केक से, जो इससे शुरू करते हैं। ये बटर स्कॉच वाला है, बटर स्कॉच कलाकंद। ये देखिए ये बटर स्कॉच है, ऊपर स्कॉच जो आइसक्रीम में होता है, ये वो वाला है मिल्क केक है। ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट काजू की बर्फी, किससे सब काजू की बर्फी पसंद है कमेंट कर दो। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं अभी कोई मिठाई, इतना मीठा हो गया वैसे वैसे। ये है मथुरा का पेठा, ये लग रही है कोकोनट टाइप कोई, कोकोनट कोकोनट ही है, कोकोनट मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोकोनट बेस्ड। सो गाइस, हाय राम। तो ये डब्बा खत्म करते हैं, दानिश कम ऑन लेट्स डू इट। थोड़ा थोड़ा गाइस, येलो कलर की मिठाई, कुछ नहीं लग रहा तानिश का, कुछ हो दिवाली है, कुछ रही है, हैप्पी दिवाली गाइस, मुस्कुराइए आप, दिवाली के शूट पे है, नहीं हैप्पी दिवाली। कैसा टेस्ट है बताओ, सारी सेम लग रही है। हैप्पी दिवाली तो सारी अभी हैप्पी दिवाली
अच्छा ऑडियंस बोल रही है कमेंट करके कि हमारी तरफ से एक बार हैप्पी दिवाली और बोलो। नहीं 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 गाइस हैप्पी दिवाली। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी स्वीट। देखो वो डेकोरेटिव चीज अच्छी ये है तानिश की फेवरेट, कहता मुझे कोकोनट बड़ा अच्छा लगता है। आप भी लो ना साथ। मैं ले रहा हूँ ले रहा हूँ, मैं वो डब्बा लूंगा ना मैं उसमें, आई विल जॉइन यू। अभी देखिए यंगस्टर्स आगे ले रहे हैं, तानिश ने बोला देखो आप ज्यादा मीठा मटको, आपकी उम्र हो गई मैं मान ली। बिहाइंड द कैमरास बोला था कोकोनट बेस्ट। तो ये डब्बा भी हुआ समाप्त, साइड में फाइनली। हां भा जाओ इधर, निकल स्टार्ट करेगा खाना, हम लोग टेस्ट करेंगे। अब दिखाओ, मैं खाता हूं मिल्क केक। मिल्क केक और मैं फिर से ये बर्फी, इसने आई गेस रिपीटिंग तीन बार खा चुका हूं मैं ये सेम। तीन बार खा चुका हूं मैं ये एक पेपर में तीन क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं मैडम, अलग-अलग चीजों से आए ऑब्जेक्ट अलग रख दो। रेपिटेटिव वाली मिठाई, देखो उनकी गलती नहीं है, गलती से शायद आ गई हो। जब पैक करा रहे थे वो काफी केयरफुल थे कि सारी एक-एक मिठाई आनी चाहिए। जैसे मटर वाला पेड़ा भी दोबारा, हां ये पेड़ा भी रिपीट ही है। बिल्कुल काफी बढ़िया है, मोस्ट रेकमेंड। ये सही लग रही है यार, एकदम येलो येलो। खा के देख, मिल्क केक बहुत बढ़िया बनाया है। ये नहीं थी वो क्या था अंदर, वो जैसे वो था ये केसर वालों का, विदाउट केसर वाला वो क्या चीज थी समझ ही नहीं आया। आप खाओ चलो, कलाकंद खा के देख। कलाकंद ना बहुत मेहनत से बनती है चीज़, कलाकंद आप खाइए। प्रसाद में हमारे यहाँ पे कलाकंद काफ़ी बार होता है। मुँह में घुल गई क्या, क्या कहते हैं गाइस इसे, क्या कहते हैं अब तो हम नाम भूल गए लगता है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। क्या कहते हैं भाई सार्थक, क्या कहते हैं इसे, छैना मुर्गी। ये वही मुर्गी है जो वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं। अभी एक साल मैं कोई स्वीट हल्दीराम कहीं नहीं जाने वाला, हो गया भाई। काफी अच्छी क्वालिटी का छेना मुर्गी। देखो ये भी रिपीटेटिव है, मैं सुच्ची मिठाई होगा ना अलग से डब्बा बना देंगे। देखो गाइस क्या है कि ये मिठाई डिफरेंट है लेकिन है चीज सेम, मतलब खोए से बनी है तो इसको टेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है कि दो ही चीज बटन डिफरेंट है बेसिकली। जैसे ये है ठीक है, चॉकलेट वाली लग रही है ये, मैं ये एक चॉकलेट दिखा ले। Nice. ये मुझे लग रही है, ये क्या है ये खा के देखो क्या है। आप खाओ मैं खा लेता हूँ। देखो हम लखनऊ से, आप खाइए आप खाइए आप सब सब खाइए मिल बाट के। ये हो गई सारी, ये भी रिपीट है, खोया ये भी खोया। आई थिंक हम लोग ना ये हटा के इसका फ्रेश का एक डब्बा बनाया था अलग से। दीज आर अनटच मिठाइयाँ, हाँ जो रिपीट थे या फिर जिनके शेप अलग थे। फाइनली फाइनली हम आ गए लास्ट डब्बे की तरफ। इसमें वहाँ पर इमरती है, ये बालूशाही है, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, ये सोन पापड़ी है आई गेस, वैसे ही कुछ लग रहा है। ये पतीसा है, दिस इज़ द डैडी ऑफ सोन पापड़ी। अच्छा खाओ खाओ मैं खा रहा हूँ। ये गुजिया, गुजिया खाओ पहले गाइस। एक गुजिया में कम से कम 800 कैलोरीज होती है, बट अगर सिर्फ एक बाइट लो तो 100 कैलोरीज है। वो तो गए फोन के डब्बे वाले डिब्बे, आज आपको मिठाई के डब्बे वाले दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है पतीसा, पतीसा मेरी फेवरेट मिठाई है। अच्छा वो टेक्सचर सकते हैं पतीसा का, ये वाली भी मुझे बहुत सही लगती है। इसका नाम नहीं, डोडा बर्फी। हाँ डोडा बर्फी, ये डोडा, ये बहुत अट्रैक्टिव होती है। इसको गर्म करके ना आप इसको थोड़ा सा ऊपर से दूध डालो और खाओ कटोरी। बालूशाही खाई आपने, आप खाओ मैं ये खा रहा हूँ ना, ये मैं खा रहा हूँ, तुम बालूशाही खाओ। बालूशाही ये बालूशाही वैसे अगर दिल्ली में कहीं की फेमस है वो है हीरा स्वीट्स की। नाइस ये देखो वो हो अंदर से देखो, हो 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 पूरे एकदम भरपूर लोडेड ड्राई फ्रूट्स है हर ऑलमोस्ट स्वीट में। कोकोनट, ये भी कोकोनट सी लग रही है बट इन येलो कलर अलग है, कोकोनट नहीं है ये, कोकोनट नहीं है, दाल बर्फी है, मूंग दाल की बनी है ये, मूंग दाल की बर्फी है। हाँ मूंग दाल की बर्फी। एक बाइट ले अंदर से फील कर टेक्सचर, पता वो सेम चीज नहीं है,
एक बाइट ले ले इसकी, कोई नहीं बाइट ले, अब इसको मुंह में फील कर, दरारेदार एक वो टेक्सचर आएगा एकदम छोटे छोटे। ये है पिन्नी, अगर हम सब मिठाई को जाके पीस के पिन्नी बना सकते हैं घर में। यू हैव नहीं पिन्नी तो आप खाओ, मैं वो खा रहा हूँ ना इमरती, आई लव इमरती। गाइस सीरियसली बताओ, इस वक्त मेरा ना सर घूम रहा है और तानिश को तो रिवर्स कोरोना हो गया, इसको कोरोना हुआ था, कोरोना बाहर निकल आया था, कोरोना को शुगर हो गई इसकी बॉडी में जाके। ये गलत टाइटल है, मीठे में मिठाई होनी चाहिए, मीठे में चॉकलेट नहीं होनी चाहिए दिवाली पे, मीठे में क्या है बोलो, मिठाई है। ये मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं चलेगी धांधलेबाजी चॉकलेट बेचने की, हम खाएंगे मिठाई, देसी घी में बनी हुई मिठाई। अभी हमें हो गया नशा सा हो गया मिठाई का, ऐसा ही लग रहा, वी आर हाई ऑन मिठाई, हाई ऑन शुगर, हाई ऑन मिठाई। मैं ये खाऊंगा ब्राउन वाली, अब ये दो दानिश खाएगा, कम ऑन दानिश, दो नहीं, कम ऑन दानिश, नहीं 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 नहीं, यू कैन डू इट, सारता को खिला चले, नहीं कमेंट करके अभी बोलो किसे खाने चाहिए, दानिश बोलो, दानिश दानिश वो खाओ, खाओ खाओ, एक आप खाओ, खाओ खाओ, चल मेरे पहले पहले ये खा ले, ये लास्ट है, ये तो मुझे वही लग रहा है मूंग दाल वाला, वैसा ही है, वैसा ही है, नहीं वैसा नहीं, वैसा, वैसा ही नहीं, नहीं मैं देख लिया लग रहा है, खा के देख, नहीं लोगों को बताओ ना अलग कैसा है ये, मूंग दाल जैसा ही है बस थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर दिया। सो गाइस बिटवीन मी एंड दानिश हमने कुछ अराउंड, अगर कुछ रिपीटेटिव हटा दूं तो 70 टाइप की मिठाई का टेस्ट करी है। अभी ना ब्लड शुगर कोई नापेगा ना कम से कम 600-700 आएगी, बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं शुगर। एंड ऑन दैट स्वीट नोट, दिस इज योर होस्ट निखिल चावला विद तानिश शर्मा, जिससे बोला नहीं जा रहा हूँ, बिहाइंड द लेंस सार्थक, एंड सार्थक को खिलाएंगे ये। बाय, टेक केयर गाइज एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी दिवाली गाइज, टेक केयर, बाय।